Alia Bhatt is going through a problem of plenty. Yani ki plenty of films in her kitty. And if you talk about her lineup, this Brahmastra takt aane wali hai. Sadak 2 ki baatein ho rahi hai. RRR mein wo nazar aane wali hai. So this multi-crore films in her kitty right now. And in mein Bareilly ki Barfi ki director Ashwini Iyer ne unhe ek bahut hi interesting character offer kiya tha. And the character was supposed to be deaf and mute in the film. Very challenging for Alia as well. But ab kya kare? जिंदगी में सब कुछ तो मिल नहीं सकता एंड दैट्स व्हाई वी हियर शी हैज ऑलरेडी ऑप्टेड आउट फ्रॉम दिस फिल्म एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन दैट्स अराइजिंग इन माय माइंड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू हु डू यू थिंक इज गोइंग टू रिप्लेस आलिया भट्ट इन दिस अश्विनी अय्यर फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट हु इज हैविंग अ गुड टाइम इन द इंडस्ट्री हैज सुपर बिजी और इसलिए उन्होंने डायरेक्टर अश्विनी अय्यर की अपकमिंग फिल्म को कह दिया है नो जहां लास्ट ईयर ही आलिया भट्ट ने खुद ये कहा था कि वो अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ एक फिल्म करने वाली है वहीं आलिया ने ये भी कहा था दैट शीड लाइक यू टू वेट फॉर एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिपोर्टेडली ये फिल्म है ऑन अ डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर जिसमें आलिया लीड रोल प्ले करने वाली थी पर काफी सोच विचार के बाद आलिया ने फाइनली इस प्रोजेक्ट को कह दिया है नो Apparently, Alia अपने projects के साथ इतनी busy है that she doesn't want to keep Ashwini waiting. And Alia के इस film को ना कहने के बाद Ashwini Iyer Tiwari ने भी इस role के लिए नई female lead की तलाश शुरू कर दी है. Bureau report, Zoom, Mumbai.